अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रियाज खान नियाजी क्रिकेट टॉक्स के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग एशिया कप में जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि एशिया कप में अब तक किस किस्म के रिकॉर्ड्स बने, किस किस्म की बैटिंग की गई, बॉलिंग की गई, या जो भी डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड्स होंगे उनके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बैटिंग की तरफ आते हैं, तो बैटिंग में देखा जाए तो विराट कोहली चार्ट को टॉप कर रहे हैं। उन्होंने 276 रन्स बनाए हैं 5 इनिंग्स में। अच्छा, उनकी जो इनिंग्स हैं उसमें एक सेंचुरी और दो हाफ सेंचुरीज शामिल हैं, यानी कि उन्होंने दो बार तीन बार टोटल 50 प्लस रन्स स्कोर किए। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान हैं, उन्होंने 226 रन्स किए, इसमें दो 50s शामिल हैं। इब्राहिम जदरान अफगानिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन, वो तीसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 196 रन्स बनाए और इसमें सिर्फ एक ही 50 शामिल है। इसके बाद श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, दोनों ओपनर्स उनके आ रहे हैं, प्रथम निशांका, उन्होंने 165 रन्स किए, 250s शामिल हैं, और कुशाल मेंडस ने भी दो 50s की मदद से 155 रन्स स्कोर कर चुके हैं। अभी एशिया कप का फाइनल रहता है, तो उसमें रिजवान और श्रीलंकन ओपनर्स दोनों के पास चांस होगा कि वो अपने रन्स को मजीद बेहतर कर सकें। अब हम बैटिंग एवरेजेस की तरफ आते हैं कि किस प्लेयर ने ज़्यादा एवरेज के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर रन्स बनाए। तो अगेन विराट कोहली इसको भी टॉप कर रहे हैं, उन्होंने 92 की एवरेज के साथ 276 रन्स बना रखे हैं। इब्राहिम जादरान दूसरे नंबर पर हैं, अफगानिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, 65 की एवरेज से उन्होंने इस टूर्नामेंट में रन्स बनाए। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के ओपनर और विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उन्होंने 226 रन्स 56.5 की एवरेज से बना रखे हैं। अब हम इस टूर्नामेंट में जब हम दाखिल हुए, यानी कि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, तो बाबर आजम उस टाइम नंबर वन T20 इंटरनेशनल बैट्समैन थे, लेकिन इस एशिया कप के अंदर वो बुरी तरह से नाकाम हुए और उन्होंने सिर्फ 5 मैचेस में 63 रन्स बनाए, यानी कि बहुत ही लो एवरेज के साथ उन्होंने रन्स बनाए, और उनकी नाकामी की वजह से मोहम्मद रिजवान उनको ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके हैं, नंबर वन T20 इंटरनेशनल बैटर बन चुके हैं, और नंबर टू स्पॉट जो बाबर आजम के पास है वो भी अब खतरे में है। अगर नेक्स्ट मैच में वो परफॉर्म नहीं करते तो देर इज़ अ चांस कि उनकी सेकेंड पोजिशन जो है वो थर्ड पोजिशन में कन्वर्ट हो जाए। इस टूर्नामेंट में किस टीम ने या किस प्लेयर ने ज़्यादा 50s बनाई उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो अभी तक चार बैट्समैन हैं जिन्होंने दो दो 50s बनाई हैं, उसमें विराट कोहली हैं, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान से हैं, इसके अलावा श्रीलंकन ओपनर्स दोनों ने दो दो 50s बनाई हैं, प्रथम निशांका और कुशाल मेंडिस ने। टीम की अगर बात की जाए तो इंडियन टीम ने सबसे ज़्यादा 50s इस इवेंट में की हैं, जो कि 5 50s उन्होंने स्कोर की हैं। श्रीलंकन बैटर्स ने 4 50s स्कोर की हैं, वेयर एज पाकिस्तानी बैटर्स ने 3 50s स्कोर की हैं, और इस टूर्नामेंट की एक वाहिद सेंचुरी बनाई गई, और वो वाहिद सेंचुरी बनाई गई है विराट कोहली की तरफ से। ये उनकी T20 इंटरनेशनल में पहली सेंचुरी थी, और मोर अवेटिंग सेंचुरी ये थी जिसका शायकीन बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। टूर्नामेंट में T20 इंटरनेशनल्स को कहा जाता है कि ये बैट्समैन्स की गेम है, छक्के चौकों की गेम है, तो हम छक्कों की ही बात कर लेते हैं कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा किसने सिक्सेस लगाए। तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 12 छक्के लगा चुके हैं। कोहली दूसरे नंबर पर जिन्होंने 11 छक्के लगाए, और कुशाल मेंडिस श्रीलंका के, उन्होंने 9 छक्के लगाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं, बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने 5 मैचेस में 11 विकेटें ली हैं, उसके बाद मोहम्मद नवाज स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने 5 मैचेस में 8 विकेटें ली हैं। शादाब खान ने 4 मैचेस में 7 विकेटें ली हैं, और मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के, उन्होंने 5 मैचेस में 7 विकेटें ली हैं। तो देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार के अलावा बाकी तमाम स्पिन बॉलर्स हैं, यानी कि स्पिन बॉलर्स का राज रहा इस टूर्नामेंट में। अब हम बेस्ट बॉलिंग फिगर्स के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो इसमें भी भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर टॉप कर रहे हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ 4 रन्स देकर 5 विकेटें हासिल की। शादाब खान दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 8 रन्स देकर 4 विकेटें ली हांगकांग के खिलाफ, और सेम मैच में हांगकांग के खिलाफ मोहम्मद नवाज ने 5 रन्स देकर 3 विकेटें हासिल की थी।
अच्छा, इस टूर्नामेंट का एक मुनफरिद किस्म का एक रिकॉर्ड है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से बहुत ही जाने पहचाने जाते हैं, और अब तक इस टूर्नामेंट में ऐसी बॉल्स जो कि 140 प्लस KPH की थी, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसमें बाजी ले गया है, और पाकिस्तान ने तकरीबन पूरे टूर्नामेंट में 180 प्लस बॉल्स की हैं जो कि 140 या उससे ज़्यादा की स्पीड में थी, जबकि बाकी टीम्स ने कोई इतनी खातिरख्वाह इसमें कारकर्दगी नहीं दिखाई। श्रीलंका ने टोटल पूरे टूर्नामेंट में 35 ऐसी डिलीवरीज कराई जो कि 140 या उससे प्लस थी, इंडिया ने 31, बांग्लादेश ने 29 और अफगानिस्तान ने 18, वेयरएज हांगकांग का कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो कि 140 को टच कर सकता। इस स्पीड की जब बात की जाती है तो ओवरऑल देखें तो तमाम टीम्स के अगर हम नंबर्स को देखें तो वो पाकिस्तान से फिर भी काफ़ी कम हैं। पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से वैसे भी बहुत ही मशहूर है, जाना पहचाना जाता है, और पाकिस्तान की जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो कि उन्होंने 180 प्लस बॉल्स फेंकी हैं, वो नंबर 2 श्रीलंकन टीम जो है उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो 5 टाइम्स ग्रेटर है। ये शो करता है कि पाकिस्तान की कितनी डेप्थ है फास्ट बॉलिंग में, और वो इस फास्ट बॉलिंग के ज़रिए से कैसे इसको वो यूज़ करके टीम्स के लिए खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान वैसे भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, और ये फास्ट बॉलिंग जो उनकी है ये उनको ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो ये आज की हमारी एपिसोड थी एशिया कप के स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। होपफुली आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और हम मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुँचाएँगे जो कि क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।